हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन 3 का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। मुझे आशा है आपने दीक्षा ऐप को भी अपने एंड्रॉयड फोन में अपलोड कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले आप जान चुके हैं जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर वह वापस लौट जाती है। यह आपने परावर्तन में पढ़ा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए तब क्या हो? सपोज कीजिए, मैं यहां पे आपको समझाने के लिए बताऊं, ये एक माध्यम है पारदर्शी, माध्यम एक, और ये दूसरा माध्यम है माध्यम सेकंड। और जब प्रकाश, ये कोई प्रकाश की किरण है, जब ये इस पारदर्शी माध्यम से इस पारदर्शी माध्यम में जाए तो क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो सही तरीका तो यह है कि यह सीधी जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसी सीधी नहीं जाती है। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब सीधी नहीं जाएगी, उसे या तो थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं, ये इधर भी जा सकती है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। विचलित होने का मतलब तो ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। अभी सीखेंगे आप कब वो अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी। यदि आगे बढ़ेंगे आप तो अभी फिलहाल समझिए विचलन हुआ है, वो विचलित हो जाती है अपने पूर्व मार्ग से। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए और विचलित हो जाए, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे और आगे लेकर बढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज कीजिए ये एक प्रकाश की किरण थी, जो किरण आई है ए ओ किरण है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, और इन दोनों माध्यमों के तल के जिस बिंदु पर वो टकराई है आकर, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरे माध्यम में जब वो विचलित होकर गई है, अपवर्तित होकर गई है, क्योंकि अब अपवर्तन हुआ है, इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसे मैं हटा रहा हूं, अपवर्तित किरण। और यदि हम यहां से होते हुए एक लंब खींचे, इसे हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसे हम आपतन कोण कहेंगे। इसी प्रकार से ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बना है, इसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित बातें हैं जो अपवर्तन के संबंध में है। तो अपवर्तन की जो घटना हुई है, भैया कोई नियम को फॉलो करती है क्या? कुछ
नियम है क्या इसके? जिस प्रकार से परावर्तन के नियम थे, ऐसे ही विद्यार्थियों अपवर्तन की घटना के भी दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, अपवर्तन के नियम हम कहेंगे ना, अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, पहला नियम। सिंपल नियम है। दूसरा नियम क्या है? ये कोण आपतन कोण बना है और ये अपवर्तन कोण बना है। इनमें क्या संबंध है इन कोणों? जब हम इनमें संबंध देखते हैं तो आपतन कोण की साइन, यानी आपतन कोण है आई और इसकी साइन से बन गया साइन आई, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की साइन, अपवर्तन कोण आर और इसकी साइन साइन आर का अनुपात, इनका अनुपात एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक यानी आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। ये और आगे बातें बताऊंगा इसमें, जिसे इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ये जो स्थिरांक है, और इस स्थिरांक को थोड़ा समय यहां पर है ना, जगह थोड़ी बनाओ। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये जो अपवर्तनांक है इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम क्योंकि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, तो एक तरीका तो लिखने का इस तरह से है वन न्यू टू, या दूसरा तरीका इसका भी है लिखने का, जैसे सपोज कीजिए पहला ये वायु है और दूसरा जल है, पहला माध्यम वायु दूसरा माध्यम जल, यदि हम इसे पहले वायु को लिखते हैं ए से ए न्यू डब्ल्यू, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, इस तरह से इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये जो अपवर्तनांक है न्यू, तो यानी ये हुआ वन न्यू टू, आपके पास आ गया साइन आई बटे साइन आर। अभी बहुत सी बातें हैं अभी सीखनी है। अभी ये जो अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक का मान समान माध्यमों के लिए अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है अपवर्तनांक घटने लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम है, और लाल रंगों में अगर हम देखें और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। और बातें अभी हम देखेंगे, इस चित्र को जरा थोड़ा सा मैं, जो अपवर्तनांक है हमने बताया कि हम इसे किसी माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं। यदि हम निर्वात के सापेक्ष निकाले, निर्वात के सापेक्ष कोई माध्यम है तो हम इसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और व्यवहार में इसे वायु के सापेक्ष ही मान लिया जाता है। तो मैं दूसरे शब्दों में कहूं, यदि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाले तो हम उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और वायु ना हो, दो माध्यम अलग अलग हो, जैसे जल के सापेक्ष कांच का, तो हम उसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष
अपवर्तना। जब हम वायु या निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है तब उसे सामान्य रूप से अपवर्तनांक ही कहते हैं, उसके साथ ना सापेक्ष लगाते हैं। जब दो माध्यमों में जिनकी हम तुलना कर रहे हैं एक माध्यम वायु या निर्वात हो तो हम सिंपली अपवर्तनांक शब्द से उसे प्रदर्शित अपवर्तनांक ही कहते हैं, ना निरपेक्ष कहते हैं ना सापेक्ष कहते हैं। ठीक, अभी आप देख रहे थे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है। तो भाई ये जो अपवर्तनांक है ये माध्यम शब्द आया है। माध्यम क्या है? सामान्यतः जब हम माध्यम का जिक्र करते हैं कि दो प्रकार के, या तो वो माध्यम विरल होगा या माध्यम सघन होगा। जैसे वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, जल के अलावा कांच एक माध्यम हो सकता है या मिट्टी का तेल पारदर्शी माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो ये जो इनकी सापेक्षता के सापेक्ष ही हम कहेंगे। अगर मैं कहूं वायु और जल को मैं साथ में रखता हूं तो मैं कहूंगा कि जल जो है वायु के सापेक्ष सघन है। यदि मैं जल और कांच में रखूं, दो माध्यम ले लूं, तो जल विरल हो गया और कांच उसके सापेक्ष सघन हो गया। यानी जो सापेक्षता और विरलता है ये हम किसी के सापेक्ष निकालेंगे, तुलनात्मक रूप से निकालते हैं। क्लियर? चलिए अब ये जो सापेक्षता है उसमें भी क्या होता है कि सघन और ये विरल माध्यम ये वास्तव में प्रकाशिक सघनता और विरलता है। इसका द्रव्यमान सघनता या विरलता से कोई अर्थ नहीं है ना, प्रकाशिक सघन और विरलता से है। तो कौन प्रकाशिक रूप से सघन है, कौन प्रकाशिक रूप से विरल है, इसका द्रव्यमान सघनता और विरलता से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, और बातें देखते हैं। अब वही बात आती है कि भाई जब हम कह रहे थे, मैंने कहा था कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब है, दो कंडीशन हो सकते हैं, इसका रास्ता सीधा है ये, तो ये अभिलंब की ओर झुकी है और इस कंडीशन में ये अभिलंब के दूर झुकी है। तो देखिए कैसे होता है, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम के साथ सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो कंडीशन आएगी वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब इसका उल्टा हो, यानी माध्यम हो जाए सघन से विरल में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, कभी कभी हमें यह निर्धारित करना पड़ जाता है कि भाई कौन सा माध्यम सापेक्ष है और कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है, देख के कैसे पता। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका, जिस माध्यम में, ये देखो दो कोणों को हम देखेंगे, जिस माध्यम का कोण बड़ा हो वो माध्यम विरल है और जिसका कोण अपेक्षाकृत छोटा है वह सघन माध्यम है। एक तरीका तो ये कि हम कोण देखकर बता दें। ठीक, दूसरा तरीका भी है, अपवर्तनांक को देखकर हम बता सकते हैं। जो सघन माध्यम होते हैं उनका अपवर्तनांक अधिक होता है, अगर मान दिए हम अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक, और जो विरल माध्यम होते हैं उनका अपवर्तनांक कम होता है। यदि हम देखें जल का अपवर्तनांक 1.33 है और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ है हीरा। तो चूंकि यहां पर इसका अपवर्तनांक अधिक है इस कारण से ये जो माध्यम है ये सघन,
और ये अपवर्तनांक कम है तो ये माध्यम विरल। ठीक, चलिए इसमें अपवर्तनांक को इससे और आगे बढ़ते हैं। भाई प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, तो प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन की घटना क्यों होती है, कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है। तो इसका सीधा सा कारण है, ध्यान से सुनिए, जब भी प्रकाश अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, माध्यम अलग अलग है, उनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, तो वो किरण विचलित हो जाएगी, यानी अपवर्तन की घटना हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब इसका अर्थ ये हुआ कि सपोज कीजिए ये पहला माध्यम है, कोई भी माध्यम है, फर्स्ट माध्यम, ये दूसरा माध्यम, इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो वी वन है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो गया V1 बटे V2, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 न्यू 2 बराबर V1 बटे V2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और यदि मैंने कहा यह निरपेक्ष अपवर्तनांक है या खाली अपवर्तनांक है, तो वहां पर एक माध्यम वायु है, तो 1 न्यू 2 बराबर c बटे v, c क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, और आप जानते हैं c का मान कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये वायु में प्रकाश की चाल है। अपवर्तनांक चूंकि एक अनुपात होता है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि एक अनुपात है, दोनों राशियां सेम है, ऊपर भी वही राशि है नीचे भी वही राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं। क्लियर? अपवर्तनांक के बारे में स्पष्ट हुए आप, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में स्पष्ट हुए। जो प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम है, मैंने शायद जैसे वन न्यू टू रिमाइंड करा दो, साइन आई बटे साइन आर, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक, प्रकाश के जो वेग होते हैं वो विरल माध्यम में ज्यादा होते हैं और सघन माध्यम में कम होते हैं। ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप नोट कीजिएगा। अब हम आगे की एक घटना को और देखते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में हमने जाना था, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। मान लीजिए दो माध्यम है, ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम, ये प्रकाश की किरण गई ए ओ बिंदु पर, यहां से ये अभिलंब, ये अपवर्तित हुई है बी, कौन आई कौन आर। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम के अनुसार 1 न्यू 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब आपने पढ़ा है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में। यदि हम इनके मार्ग को बदल दें, यानी कि ये किरण आपतित हो जाए और ये किरण अपवर्तित हो जाए, तो इस माध्यम से दूसरे माध्यम, तो 2 न्यू 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां पर तो ये कौन आपतन कौन हो गया यानी साइन आर, और ये अपवर्तन कौन हो गया बटे साइन आई। ये इक्वेशन दो, इक्वेशन फर्स्ट की गुणा इक्वेशन सेकंड के साथ जब हम करेंगे तो 1 न्यू 2 गुना 2 न्यू 1, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड पे गुना राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पे गुना इधर की इधर गुना इधर की इधर गुना साइन आई बटे साइन आर गुना साइन आर बटे साइन
आई, साइन आई से साइन आ गया, साइन आर से साइन आर वन, तो वन न्यू टू गुना टू न्यू वन बराबर एक, ये एक संबंध आ गया। जैसे और आगे बढ़ाऊ मैं तो यहां से टू न्यू वन बराबर एक बटे वन न्यू टू, इसे पढ़ूंगा कैसे देखिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से एक महत्वपूर्ण संबंध हमें पता लगता है, इस प्रकार से ये संबंध हम निकाल सकते हैं। चलिए प्रकाश के अपवर्तन की जो घटनाएं हैं इस पे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं जिसमें अपवर्तन की घटना होती है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि कभी आप जब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो आपका जो पानी का मग्घा है वो ऐसा लगता है कि भाई वो कुछ ऊंचा उठा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ लगता है। या ऐसे ही नदी की तली में जो पत्थर पड़े हुए हों तो वह ऐसे लगते हैं कि उनकी गहराई कुछ कम है, और होते वास्तव में ज्यादा गहराई पर है ना। तो कई उदाहरण हम ले सकते हैं, ऐसे कोई सिक्का अगर किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है बर्तन में, तो वो क्या लगता है, सिक्का सिक्का ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। जल ऐसा क्यों होता है, देखिए ये का गया है, इससे प्रकाश की मैंने कहा दो किरणें हमेशा चलती हैं, ये लंबवत है, अगर ये लंबवत है तो सीधी निकल जाएगी। ये प्रकाश की किरण गई, देखिए ये जल है और जल से बाहर ये क्या है, वायु। अब जब ये वायु है और ये इन दोनों का तल है, ठीक, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो अभिलंब से दूर इसका रास्ता ये ना होके ये हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो ये पीछे की तरफ यहां मिलती प्रतीत होगी, यानी इसका बिंब या प्रतिबिंब यहां दिखाई देगा, हमारी आंखें यहां है, हम यहां देख रहे हैं, तो हमें ये सिक्का इसकी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, आभासी गहराई पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में पड़ी हुई चीज को देखते हैं तो R न्यू डी, R का मतलब रेयर माध्यम, विरल माध्यम, डेंस सघन माध्यम, बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई तो इसकी यहां से यहां तक है और आभासी गहराई ये है, तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, तो ये संबंध आ गया। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हमें दिखाई देते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हैं। वायुमंडल में ताप में अंतर होने के कारण वायु की कई परतें बन जाती हैं, ताप के अंतर के कारण इनका अपवर्तनांक अलग हो जाता है। तो किसी भी तारे का बिंब कभी हमें इस स्थान पर दिखाई देता है, जरा सी हलचल वायुमंडल में होती है तो थोड़ा सा दूसरे स्थान पर दिखाई देता है। तो इस आधार पर तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पे हैं, इसे आप और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। थैंक यू, आज इतना ही।